जल्दी कर लो, मम्मी काम करने जा रही है। सुंदर बना हुआ है, बहुत अच्छा कलर। तो हमने ले लिया है तरबूज। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह हो चुकी है, सुबह सुबह इतनी कड़ी धूप हो रही है, ऐसा सुबह नहीं लग रही है ना, दोपहर लग रही होगी, पर सुबह ही है। और ये देखिए नाश्ते में लगे हुए हैं। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। सारा बच्चा पार्टी नाश्ता में, और मैंने मम्मी ने कर लिया क्योंकि नहा धो लिया था सुबह से, और अभी सिर्फ 9:15 हो रहे हैं घड़ी में, और ऐसा लग रहा है कितनी धूप हो गई है। घड़ी में दिखाते 9:15, और सब नाश्ता नुस्ता हो गया है, अभी खाना होगा दोपहर का। और आज बहना आने वाली है, वहाँ छोड़ के आई। मम्मी भी लगी हुई है, सुबह से कितना भी मना करो पर मम्मी मानती नहीं है, लगी रहती है। मैं तो कम ही करती, मम्मी जा किचन में, मुझे पूछना पड़ता है थोड़ा सा कि क्या कहाँ है, तो मम्मी अपना फटाफट कर लेती है। और तो सबने नाश्ता कर लिया था, डैडी बचे हुए थे, तो जब वो आए हैं तो मैंने गरम गरम पूड़ियाँ छान के फिर उनको दी हूँ। और आज है मदर्स डे, तो इस शुभ दिन पर मैं बहुत सालों क्या, मुझे याद भी नहीं है, पहले तो मदर्स डे वगैरह इतना मनाया नहीं जाता था, और जब से मनाया जाने लगा तब से मैं वहाँ पर नहीं रहती थी, तो इस बार हूँ तो बहुत ही खुशी हो रही है। और आप सभी को मदर्स डे की देर से ही सही बहुत सारी शुभकामनाएँ और विशेष, क्योंकि आप सभी को पता है मैं ब्लॉग बहुत लेट डाल रही हूँ, क्योंकि सारी परेशानी मैं कई बार बता चुकी हूँ, इसलिए बार बार बताना अच्छी बात नहीं है, एक ही चीज़ें बोर होंगे सुन के। तो यहाँ पर हो बच्चे बना रहे हैं मम्मी के लिए कार्ड, तो आज मदर्स डे भी है, और मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ये देखिए दीपू ने मेरे बहुत प्यारा सा कार्ड बनाया है, बहुत सुंदर सा। नहीं, अच्छा बनाया, सच में सुंदर बना हुआ है, बहुत अच्छा कलर भी किया है इसमें। चोरी कर ली है। थैंक यू मेरा बच्चा, मेरे बच्चे ऐसे ही मेहनत करते रहो, दिल खुश कर दिया है। तो मेरी प्यारी बहना आ गई हैं, ससुराल में भी हम साथ और मायके में भी साथ, बड़ा ही अच्छा लगता है और सूना लगता है। वहाँ से मैं यहाँ आ जाऊँ तो यहाँ मुझे सूना लगता है और उसे वहाँ, तो हम लोग अक्सर साथ में ही रहते हैं। और देवर जी आए हैं छोड़ने के लिए, और निचट दोपहरिया बोलेंगे गांव की भाषा में, मतलब दोपहर की कड़ी धूप में दोनों आए हैं, हालत बुरी है इनकी और हम लोग की भी, क्योंकि लाइट नहीं बनी है अभी तक, लाइट शाम तक बनेगी, और हाथ वाली पंखी चल रही है गर्मी की वजह से। तो अभी शाम हो गई है और चाय वाय पी लिया गया है, मम्मी मेरी समेटने लग गई है, मम्मी को देख के लगता है उठ के जल्दी जल्दी कर लो, मम्मी काम करने जा रही है। नहीं, हम लोग बैठे रहते हैं, और ये देखिए बहना मेरा ही वीडियो देख रही है। क्योंकि उसमें ये भी है ना कहीं वैसे शायद टाइम ना मिलता देखने का। हाँ, अच्छे से आए कि नहीं आए। हाँ, देख रही कि मैं कहाँ कहाँ कैसे दिख रही हूँ, इसलिए वीडियो देखा जा रहा है। और सब अपना इधर उधर घूम रहे हैं। ये देखिए वहाँ पे मशीन चल रही है, देव मेरा आज मशीन चला रहा, देखो जो चारा काटने वाली मशीन होती है, ये सब चीज़ें जो है हम लोग के बचपन में हुआ करती थी। यहाँ पे वैसे मशीन से काटते हैं डैडी, पर थोड़ा सा था तो लगा दिए हैं ऐसे ही। ये देखिए चारा काटने वाली मशीन चल रही है, गांव में ये सारी चीज़ें होती हैं, शहर वाले लोग तो नहीं जानेंगे, पर हम तो गांव वाले हैं तो हमें तो सब कुछ पता है। और बहुत ज़्यादा बाग में इतने हर पेड़ में आम है, यहाँ देखिए बाहर ही आम के पेड़ हैं, ये आंवले का पेड़, बहुत आंवले आते हैं, एक बार मैंने आप लोगों को दिखाया था, जब ठंडियों में आते हैं तो बहुत आंवला लगता है और उतने ही आम आते हैं।
तभी मम्मी अचार बना के दे देती हैं। पूरे साल हम अचार खाते हैं, उसी अचार से काम चल जाता है, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दीपू इधर बैठ के अपना फोन चला रही हैं, उधर बहना मेरी अपना काम कर रही हैं। आज आई हैं तो इनका काम बहुत सारा इकट्ठा हो गया है। आप लोग को बताया था, आप लोग कई बार पूछे, तो जॉब करती हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके अपना बैठ के काम कर रही थी। भैया मैं तो ऐसे ही घूम रही हूँ क्योंकि ज़्यादा काम कुम हो नहीं रहा है। रेस्ट मायके में आने के बाद रेस्ट होता है ना, वही रेस्ट हो रहा है। काम होता है लेकिन थोड़ा सा ससुराल से हर जगह से कम होता है यहाँ पे। तो ये देखिए आ गए हैं पकौड़े, समोसे, कोल्ड ड्रिंक। और दीक्षा ने बहुत ही अच्छा कार्ड बनाया था और लिखा था, और देव ने भी बहुत सुंदर। लेकिन जानते हैं कई चीज़ें मिस हो जाती हैं, इतने सारे लोग हैं भूल जाते हैं, मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई हूँ। क्या करोगे मेरा कपड़ा? अरे मेरी चुन्नी गंदी हो जाएगी, देखो मेरी चुन्नी से पोछा जा रहा है। तो ये देखिए आ गया है समोसा, कोल्ड ड्रिंक, टिक्की, और यही है हमारी पार्टी। तो गाँव में तो अक्सर यही होता है। ये देखिए शाम का बढ़िया मौसम है और हम लोग बस गर्मा गर्म आया है। क्या ढूंढ रहे बहन जी? मेरी तैयारी करने में लगी है। गिलास आ गया, सब कुछ आया। यहीं बैठे बैठे हम लोग बाहर मजे से खाने वाले हैं। मम्मी मेरी स्प्राइट नहीं पीती, इसलिए उनके लिए स्पेशल फ्रूटी मंगाया गया है कि मम्मी फ्रूटी पियेंगी। मम्मी को केक, मतलब केक नहीं खाती है, केक जैसे थोड़ा सा खाती है। नहीं तो प्लानिंग थी कि केक मंगाएंगे तो केक का, हाँ केक मम्मी बिल्कुल खाती ही नहीं, इसलिए फिर कैंसिल कर दिया गया। आ गया है समोसा और कोल्ड ड्रिंक। और एक चीज़ और मिस हो गई है, मैं मम्मी के लिए जो गिफ्ट लेकर आई थी वो भी मैं दिखाना भूल गई आप लोगों को, सॉरी। और यहाँ पर मम्मी बिल्कुल भी एक, मतलब एक टुकड़ा भी छोटा सा केक का चला जाए तो मम्मी की उल्टियाँ वगैरह, तबीयत ख़राब हो जाती है। आप लोग भी सुन के हैरान रह जाएंगे पर सच में ऐसा ही होता है, इसलिए मम्मी ने बिल्कुल भी केक के लिए मना कर दिया। तो हमने कहा जो पसंद है वही चीज़ें मंगा ली जाए, वही खाया पिया जाए, बच्चों के साथ इंजॉय करो, यही तो होती है पार्टी। खाओ पियो, हंसो बोलो, इंजॉय करो, एक साथ में मिलके खाना ही बहुत बड़ी पार्टी है। नहीं आजकल टाइम कहाँ है, किसके पास साथ में बैठने का, इंजॉय करने का। तो हम लोग, भाई का पेपर था तो वो पेपर देने चला गया था। आप लोग का वीडियो में आप लोग को दिखेगा, क्योंकि अब वीडियो में मतलब मैं सब लोग को दिखाती रहूँगी। आप लोग इतने कई बार मैं पहले भी मिला चुकी हूँ, सबको बता चुकी हूँ, इसलिए नहीं बताती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। और बहना मेरी बना रही हैं पराठा और रोटी, दोनों ही चीज़ें बन रही हैं। पराठे प्याज के पराठे हैं और बच्चों के लिए, बच्चों और बड़ों के लिए रोटी, क्योंकि पराठे से अच्छा है रोटी। सुबह से दही मम्मी ने जमा रखी है, भिंडी की भुजिया बनी हुई है, बहना ने भिंडी की भुजिया बना दी थी। नाश्ता तैयार हो गया है और अभी खाना, 8 अभी बज रहे हैं, नहाना धोना भी हो गया है हम लोगों का, पूजा पाठ। मम्मी जा रही पूजा करने नहा के। और ये देखिए मेरे भाई साहब यहाँ बैठे हैं और पराठा, देव ये बैठा हुआ है, ले लो पराठे। और क्योंकि दीपू दीक्षा तो गई हैं मौसी के यहाँ, मौसी का कल बर्थडे मनाने गई थी तो आई नहीं है, वही हैं। तो बस हम लोग इन लोग को, बच्चों को नाश्ता करा दें, भाई को करा दें, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो बहन का साथ साथ में काम भी चल रहा है, जॉब की बातें चल रही हैं, जाना होगा आज इनको। हाँ लगा है मजदूरी, एक दो लोगों का छूटा हुआ है तो हाँ उसको देखते हैं, मैनेज करते हैं किसी तरह। तो 8 बजे से सोने लगे हैं, खा पी के मायके में पहुंचते ही इनको बहुत नींद आती है। हाँ देख लो, आंख नहीं खुल रही है, बुलाने पे भी नहीं खुल रही है। क्या था रूपा, कहाँ पकड़े रहो बहनिया? तो देखे देखे
तो दीपू और दीक्षा भी आ गए हैं। और मदर्स डे वाले दिन ही मेरी छोटी वाली बहन शिखा का बर्थडे था, तो उसने बुलाया था, सबको बुलाया था, पर हम सब लोग नहीं गए थे। पर दीपू और दीक्षा दोनों लोग चले गए थे स्कूटी से और बर्थडे पार्टी करके आए हैं। तो वहाँ से आने के बाद दीपू गले मिल रही थी, ऐसे कर रही थी कि लगता है कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है। और रूपा देखे होंगे आप लोग, चिल्ला रही थी, उसको बहुत डर लगता है छोटे मोटे जैसे गोजर सांप वगैरह अगर छोटे मोटे गांव में कई बार दिख जाते हैं तो उसको देख के ना वो फिर चिल्लाती रहती, मतलब कई बार उसको ऐसे लगता है कि उसने देख लिया, उसके हाथ में आ गया था वो, तो इसलिए बहुत देर तक वो ऐसे करती रही थी। हम लोग हंस भी रहे थे। और यहाँ पर डैडी बहुत सारा सामान लेकर आ गए हैं, देख रहे हैं कि नाती पोते सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो घर का जो भी सामान था उनको लगा खाने पीने की चीज़ें और बनाने की चीज़ें, तो वो सारा ही सामान लेकर आ गए हैं। तो शाम का चाय पानी सब कुछ करके शाम के काम वगैरह जो थे बर्तन झाड़ू वगैरह सब मिलके फटाफट से निपटाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं। आज दोनों बहनें जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो हम लोग आ गए हैं पड़ीला महादेव मंदिर दर्शन करने। दोनों बहनें हमने कहा दर्शन करा दें, बहुत दिन बाद, बहुत दिन के बाद, बहुत दिन हो गए थे हमें पड़ीला के दर्शन किए। बहुत सारे लोग को पता होगा ये भोलेनाथ का मंदिर जो है पड़ीला में बहुत ही फेमस है, बहुत भीड़ होती है, आज सोमवार का दिन है। तो बस हम दोनों लोग निकल आए हैं, इधर पूरी दुकानें लगी हुई हैं, तो शाम का टाइम है, अंधेरा सा हो रहा है, ऊपर से पूरा बंद है तो अंधेरा अंधेरा लग रहा है, अभी अंधेरा हुआ नहीं है। हाँ ले लो प्रसाद, ले लेते हैं यहाँ से हम। तो हमने लड्डू और पेड़े ले लिए चढ़ाने के लिए, और उसके बाद फूल माला ले लिया है। लोटे यहीं पे मिल जाते हैं, ये लोग रखते हैं क्योंकि कोई बहुत दूर दूर से लोग आते हैं तो लोटा अपना लेके चढ़ा के वापस कर देते हैं। और ये मतलब जो पांडव थे उन्होंने ये मंदिर बनवाया था द्वापर युग में, तो इसलिए इस मंदिर का जो नाम है वो बाबा पांडेश्वर नाथ धाम है। और पड़ीला में ये मंदिर पड़ता है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे ये निशान जो रखे हुए हैं झंडे वाले, बांस में लाठी बोले चाहे बांस बोले, इसी में ये निशान चढ़ाया जाता है। मनोकामना जैसे लोग मन्नत मांगते हैं, मनोकामना पूरी होती है, तो यहाँ पर लोग लेकर आते हैं निशान, पूरे गांव को लेकर आते हैं साथ में। हम तो कई बार आए हुए हैं यहाँ पे, और वैसे तो इनका दर्शन मिलना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, फूल माला से ढके हुए रहते हैं, लेकिन आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, भगवान भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और मैंने भी दर्शन किया, बहुत ही खुशी हुई क्योंकि बहन तो अक्सर आती रहती है, यहाँ पर सब आते रहते हैं, लेकिन मेरा जाना बहुत सालों बाद हुआ है। तो सोमवार का दिन था, बहन ने कहा चलो नहीं फिर आप जा नहीं पाओगे, इसीलिए फिर हम निकल के देखिए सुबह से शाम में इतने निशान यहाँ पर चढ़े हुए हैं, जितने ये बांस के रखे हुए हरे हरे बांस ये काट के इसी में लेकर। बहुत अच्छे से दर्शन मिल गया है, नहीं तो क्या होता है भोलेनाथ एकदम से फूलों से ढके रहते हैं तो दर्शन मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज बहुत अच्छा दर्शन मिला है। रूपा चले चलो, ये कुछ लेना नहीं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए क्या लोगे। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे ही जगह जगह खूब तरबूज का ढेर लगा रहता है, तो मेरा मन हुआ कि चलो, बच्चे बोल भी रहे थे तरबूज तो इसमें काट के ना देख लेते हैं तो डाउट नहीं रहता है कि कहीं ऐसा ना हो काटने के बाद तरबूज अच्छा ना निकले, मीठा लाल ना निकले, तो इसलिए कटवा के देख लिया है। और उसके बाद बस लेकर हम 3-3 किलो के 2 तरबूज लिए थे, तो हमने ले लिया है तरबूज, अब हम तरबूज लेके चलेंगे घर पे। अच्छा कहाँ दिग्गी माँ जाएगी रूपा, देखें कोशिश किया जाए दिग्गी में आ जाए, दोनों नहीं आएंगे मेरे ख्याल से, आ गया। तरबूज, 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 ताजे ताजे तरबूज।
तो बच्चे तरबूज पाकर खुश हो गए। और यहाँ पर ये देखिए कुत्ते गांव में ना ऐसे घूमते रहते हैं, इनको रोटी फेंक दो तो रोटी बड़े आसानी से खा लेते हैं। और देहरादून में बिल्कुल भी कुत्ते रोटी नहीं खाते हैं। और प्रसाद सबको दिया तो इसको तरबूज खाना है पर प्रसाद नहीं खाना है। तो मैंने कहा चलो तुमको मैं पहले तरबूज ही काट के दे देती हूँ। बहुत ही क्यूट है ये सबसे छोटी जो है, अभी अभी बोलते हैं, उतने ही शैतान है, डांस भी बहुत करती है। पूरे दिन में एक दो बार इसको गाना लगवा के डांस करने का मन हो ही जाता है, गाना लगा दो और मैं डांस कर लूँ। तो बस यहाँ पर सबको तरबूज खिलाएंगे। तो बच्चों की चल रही है मस्ती। और चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और मदर्स डे का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इसी के साथ लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।